हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब डिटेक्टर पे दोस्तों हमारा जो आज का वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि वो टाटा स्टील का जो अपकमिंग एक हमारा वैकेंसी निकला है आज ही नोटिफिकेशन निकला है टाटा स्टील अपे एस्पेयरिंग इंजीनियर प्रोग्राम ए का जिसका प्रीवियस ईयर भी हमारा एग्जाम हुआ था उसका वैकेंसी निकल चुका है दोस्तों तो चलिए देखते हैं उसके नोटिफिकेशन की तरफ उसका क्या क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या क्या है कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं चलिए उसके बारे में देखते हैं तो दोस्तों ये है हमारा टाटा स्टील एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम का एडवर्टाइजमेंट जो कि आज ही पब्लिश हुआ है देखिए यहाँ पे प्रोग्राम डिटेल्स क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे जो सेलेक्टेड स्टूडेंट होंगे वो इंजीनियर ट्रेनिंग पे बेस्ड होंगे फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ़ वन ईयर उन लोगों का वन ईयर ड्यूरेशन ट्रेनिंग पीरियड रहेगा फिर क्या बोल रहा है द ट्रेनिंग विल बी सब्जेक्टेड टू इवैक्युलेशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी considered फॉर अ fixed टर्म employment ऑफ थ्री years एट assistant मैनेजर आई एल सिक्स एट टाटा स्टील देखिए जो भी हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे उनको वन ईयर का ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके बाद उन लोगों को कैसे कंसिडर किया जाएगा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तीन साल का और आई एल सिक्स के पोजिशन पर टाटा स्टील पर असिस्टेंट मैनेजर पर प्लेसड किया जाएगा क्वालिफिकेशनस हमारा क्या क्या होना चाहिए मस्ट बी कम्प्लीटेड और शुड बी अ फाइनल ईयर स्टूडेंट फॉर बी ई और बी टेक बी टेक या बी ई का हमारे फाइनल स्टूडेंट होना चाहिए या बी एस सी का किस डिसिप्लिन में होना चाहिए किस फील्ड में होना चाहिए इधर आई टी में होना चाहिए या फिर हमारे कंप्यूटर साइंस में सी एस में होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में और क्या है दूसरा एक मस्ट हैव कंप्लीटेड और फॉलो अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और एम सी एम एस सी इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन या तो आप, आपका बी ई बी टेक या बी एस सी होना चाहिए या आपका एम सी ए या एम एस सी होना चाहिए किस डिसिप्लिन में मैथ स्टैटिस्टिक्स फ़िजिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च में दोस्तों ठीक है अब नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारा मिनिमम एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन मिनिमम हमारा एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होना चाहिए पहला दिया हुआ है कैंडिडेट हुआ हैव थ्री ईयर डिप्लोमा और डायरेक्टली ज्वाइन सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग और इन दी फाइनल ईयर ऑफ बी ई बी टेक बी एस सी और ऑल्सो एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है यही जो हमारे बी टेक पर स्विंग कर रहे हैं फाइनल ईयर में या मान लीजिए कोई ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और बी टेक में लैटरल एंट्री लिया है और वो अभी अगर फाइनल ईयर में है तो वो लोग भी एलिजिबल है वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं वो ए आई सी टी अप्रूवड होना चाहिए उनका कॉलेज हमारा मार्क्स क्राइटेरिया क्या है दोस्तों उनको मिनिमम सिक्स पॉइंट फाइव सी जी पी ए लाना होगा या फिर हमारा सिक्सटी फाइव परसेंटेज होना चाहिए बी ई बी टेक पे और ट्रांसजेंशर के लिए हमारा क्या क्या है परसेंटेज तो सिक्सटी परसेंट है प्रेफरेंसेस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट हुआ रि डोमिसाइल ऑफ़ स्टेट ऑफ झारखंड एंड उड़ीसा कौन कौन से स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो कि झारखंड के हैं या फिर उड़ीसा के उन लोगों को झारखंड या उड़ीसा का डोमिसाइल होना जरूरी होगा नेक्स्ट हमारा एज क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए दोस्तों एज क्राइटेरिया फॉर जनरल स्टूडेंट शुड नॉट बी मोर देन थर्टी ईयर्स ऑन फर्स्ट फिफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री जब आप ये फॉर्म भरेंगे तो एज पर फर्स्ट फरवरी 2023 अब 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए 30 ईयर्स से अगर जो स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे उन लोग फॉर जनरल स्टूडेंट्स के लिए जनरल कैटेगरीज के लिए बता रहे हैं दोस्तों वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे वही हमारे एस सी कैंडिडेट्स जो होंगे थर्टी टू तक एप्लीकेबल है ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाइपेंड कितना दिया जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में आपको थ्री थाउजेंड पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा पूरे ट्रेनिंग पीरियड पे Engineer trainee will be covered under Medi Claim Scheme for Self Only, which includes hospitalization coverage of 2,50,000 per annum and OPD coverage of 6,000 per annum. Post successful completion of trainee, a CTC of INR 6.24 lakhs per annum, along with other perks and benefit as per the complete. पॉलिसी विल बी ऑफर टू दो अपॉइंटेड एज असिस्टेंट मैनेजर ऑन फिक्स टर्म अप्लायमेंट देखिए अगर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सिक्स पॉइंट टू फोर लाख पर एन एम का पैकेज पे और जो भी हमारे कंपनी पॉलिसी के बेनिफिट्स होते हैं वो सब सब प्रोवाइड किया जाएंगे और अदर क्या, क्या क्या दिया हुआ है टाटा स्टील टाटा स्टील इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इंप्लायर एंड एनकरेज कैंडिडेट फॉर डाइवर्स बैकग्राउंड टू अप्लाई ये हमारा क्या कर सकता है सर्विसेज ऑफ़ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर टू एनी डिवीजन सब्सिडरी एंड ज्वाइन वर्चेज ऑफ द कंपनी यहाँ पे क्या बोल रहा है दोस्तों इस पॉइंट में बोल रहा है कि आपको टाटा स्टील के कोई भी सब्सिडरी प्लांट में ही आपको भेज सकता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसको आप हमारे डायरेक्ट टाटा स्टील का जो रिक्रूटमेंट पे जाकर वहाँ पे लिंक अवेलेबल है या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इसका लिंक अवेलेबल है आप तो लोग वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म को भर सकते हैं वेबसाइट कब तक ओपन है हमारा थर्ड मार्च तक ये वेबसाइट ओपन है ठीक है सलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा कि वहाँ पे एक टेक्निकल हमारा टेस्ट होगा फिर टेस्ट के बाद हमारा इंटरव्यू और फिर एज़ पर मेडिकल टेस्ट होंगे उसके बाद जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड होंगे उनका ट्रेनिंग होगा वन ईयर का और ये फॉर्म का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है या फिर आप डायरेक्ट टाटा स्टील के कैरियर रिक्रूटमेंट में जाकर भी वहाँ से भी उस फॉर्म को भर सकते हैं आज से ये वैकेंसी निकल चुका है दोस्तों आज से आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं इसका लास्ट डेट है थर्ड थर्ड मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री थैंक यू